सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय मसीह की। जो इसहाक था, हर रोज हर शाम को परमेश्वर के दास भी हमेशा हमें बताते हैं, परमेश्वर के दासों के विषय में जो बाइबल में दिए गए हैं, कि किस तरह से इसहाक भी हर शाम को परमेश्वर के वचन का ध्यान करने के लिए वो जाता था। शाम के समय वो वचन का जब ध्यान करता था तो उससे क्या हुआ, उसकी लाइफ से हर एक स्ट्रगल खत्म हुई। स्ट्रगल कैसे खत्म हुई, कि बिना कोई एफर्ट लाए, बिना किसी एफर्ट के परमेश्वर ने उसके लिए जो पत्नी ठहराई थी उसके सामने खड़ी कर दी। आमीन। और जो याकूब था, उसे पहले के साल और दूसरे साल किस तरह से उसे अपनी मनचाही वाइफ के लिए 14 साल उसे स्ट्रगल करनी पड़ी, लेकिन इसहाक जो हर रोज शाम के समय वचन का ध्यान करने के लिए परमेश्वर के लिए मैदान में जाता था, मेडिटेट करता था परमेश्वर का वचन, बिना किसी स्ट्रगल और बिना किसी संघर्ष के परमेश्वर ने उसके लिए जो वाइफ थी उसके लिए रखी गई, उसके सामने लाकर खड़ी कर दी। आमीन। तो उसी तरह से जब हम भी, एक विश्वासी भी परमेश्वर के वचन पर ध्यान करता है, परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट करता है, हर रोज वचन को स्पेशल क्वालिटी टाइम देता है, उसके बाद हर एक स्ट्रगल एक विश्वासी की लाइफ से जाती है। आमीन। जो परमेश्वर के वचन को इंपॉर्टेंस देते हैं उनकी लाइफ से हर एक स्ट्रगल खत्म होती है। लेकिन आज कल के विश्वासी के पास मैरिज पर जाने के लिए टाइम है, आज के विश्वासी के पास घंटों गेम खेलने के लिए टाइम है, आज के विश्वासी के पास घंटों फोन पर चैटिंग के लिए टाइम है, लेकिन प्रार्थना, रोजों में रहना और वचन पढ़ने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं, वचन के लिए टाइम नहीं है। संसारिक चीजों में उनका मन लगा हुआ है, इसीलिए उनकी लाइफ में नॉनसेंस एंटर होती है। हालेलुया। कितने जन समझ रहे हैं कि वचन मिसिंग है उनकी लाइफ से, प्रार्थना मिसिंग है, रोजे मिसिंग है, इसीलिए उनकी लाइफ में नॉनसेंस है। वो नॉनसेंस बांझपन के रूप में है, वो नॉनसेंस बीमारी के रूप में है, वो नॉनसेंस शरापों के रूप में है, गरीबी के रूप में है, इसीलिए उनकी लाइफ में नॉनसेंस है, क्योंकि उन्होंने इस 3 धागों की जो डोरी है उसके साथ अपनी लाइफ को, अपने परिवारों को नहीं बांधा हुआ। नीति वचन में लिखा कि 3 धागों की डोरी कभी नहीं टूटती। वो 3 धागों की डोरी क्या है? वो प्रार्थना है, वो रोजे हैं, वो वचन है। हालेलुया। जिस विश्वासी ने प्रार्थना, रोजे और वचन, इन 3 धागों की डोरी को अपने पास रखा हुआ है, परमेश्वर अपने स्वर्गीय दूतों को भेजकर उनकी रक्षा करता है और शैतान कभी भी अटैक नहीं कर पाता, क्योंकि ये 3 धागों की डोरी कभी नहीं टूटती। हालेलुया। और जो विश्वासी इन 3 धागों की डोरी को अपने में समेटे हुए हैं, अप्लाई किए हुए हैं, उनकी लाइफ में कभी भी कोई नॉनसेंस एंटर नहीं कर सकता। हालेलुया। तो सब जन प्रार्थना करें कि परमेश्वर 3 धागों की डोरी जो कभी नहीं टूटती, जो प्रार्थना, रोजे और तेरा वचन है परमेश्वर, हमारे जीवनों में आज से हम लेने पाए। इस 3 धागों की डोरी को परमेश्वर आज से हम अपने जीवनों में लेने पाए, ताकि परमेश्वर तेरी सुरक्षा, तेरी प्रोटेक्शन, तेरे स्वर्ग के दूत हमारे जीवनों में काम कर सके और हर एक डेथ स्पिरिट, हर एक एक्सीडेंट, हर एक शैतान की चाल हमारे जीवनों से खत्म हो। ये 3 धागों की डोरी जो प्रार्थना, रोजे और वचन है परमेश्वर, आज से हम अपने जीवन में अप्लाई कर सके, ताकि हमारे जीवन से हर एक नॉनसेंस खत्म हो सके, हर एक नॉनसेंस हमारे जीवन से जाती रहे परमेश्वर, आज से हर एक नॉनसेंस हमारे जीवन से खत्म हो। जिस तरह से इसहाक परमेश्वर तेरे वचन का ध्यान करने के लिए जाता था और आपने उसकी लाइफ को स्ट्रगल फ्री किया, कि बिना किसी स्ट्रगल के उसकी वाइफ उसके सामने लाकर खड़ी कर दी, उसी तरह से परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक स्ट्रगल हमारे जीवन से दूर हो। सब जन ऊंची आवाज में कि परमेश्वर हर एक स्ट्रगल हमारे जीवन से आज दूर हो, हर एक स्ट्रगल हमारे जीवन से आज दूर हो। आमीन। तो प्रार्थना में, रोजों में और परमेश्वर के वचन में मनन करना, परमेश्वर के वचन का मेडिटेट करना, जिन लोगों ने इन 3 चीजों को अप्लाई कर लिया अपनी लाइफ में, उनकी लाइफ में कभी कोई नॉनसेंस एंटर नहीं होगी। हालेलुया। और लास्ट पॉइंट इज 4th पॉइंट, परमेश्वर के घर में आना।
आमीन। परमेश्वर की प्रेजेंस में, परमेश्वर के भवन में आना। जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो कुछ नॉनसेंस, कुछ कमियां हमारी जीवन से ऐसे ही खत्म हो जाती हैं। जो लोग परमेश्वर के घर में आना प्रथम स्थान नहीं देते, फर्स्ट प्रेफरेंस में नहीं रखते, ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी मैं कमी मानती हूँ। जो लोग परमेश्वर के घर में आना, संडे चाहे थर्सडे हो, परमेश्वर के घर में आने को फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं देते, ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी कमी है। और जब किसी व्यक्ति विश्वासी की लाइफ में जो कमी आ जाती है तो उसके बाद नॉनसेंस एंटर होती है। हालेलुया। हन्ना कितने साल बांझ रही, कितने साल उसकी कोख बंद रही, वो रोती रही, कुरलाती रही, चिल्लाती रही, हस्बैंड के साथ लड़ती रही, लेकिन बाइबल में लिखा कि जैसे ही वो परमेश्वर की प्रेजेंस में, परमेश्वर के घर में गई, तो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी नॉनसेंस खत्म हुई थी उस दिन। आमीन। तो उसी तरह से आपकी लाइफ की हर एक नॉनसेंस खत्म होगी, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को पूरा किया। आज आप परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं, हन्ना की तरह आज आप परमेश्वर के घर में हैं। तो आज आप जो भी प्रार्थना करेंगे, हन्ना की तरह परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर मिलेंगे। आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखा कि क्या ही धन्य है जो तेरे भवन में रहते हैं। परमेश्वर ने की क्या कि किन्ने धन्य और लोग जेड़े तेरे भवन च रहिंदे आ, किन्ने धन्य और लोग जेड़े परमेश्वर दे घर दे विच बैठे आ, किन्ने धन्य ने और लोग जेड़े परमेश्वर दे भवन दे विच, परमेश्वर दी प्रेजेंस में निरंतर बैठते हैं, क्योंकि वो सदा परमेश्वर की स्तुति करते रहेंगे। आमीन। तो आप बहुत धन्य है, धन्य आ, क्योंकि अज तुसी परमेश्वर दी प्रेजेंस दे विच, तुसी परमेश्वर दे भवन दे विच बैठे आ, ते हन्ना दी तरह तुहाडी लाइफ दी नॉनसेंस अज खत्म होएगी। लेकिन वही आज जो विश्वासी है उसकी लाइफ की ये कमी है कि परमेश्वर के घर में जाना वो फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं देते, वो प्रथम स्थान नहीं देते परमेश्वर के घर में जाना। इसीलिए उनकी लाइफ से परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की ग्रेस हमेशा हमें कमी महसूस होती है। हमेशा वो व्यक्ति खाली खाली हमें महसूस होगा, बिना पवित्र आत्मा के महसूस होगा, जो कि परमेश्वर के घर में आना प्रथम नहीं रखता। हालेलुया। और जो परमेश्वर के घर में आता है वो अलग दिखते हैं, वो अलग ही दिखते हैं, और अलग तरीके से परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करता है। जब मैं परमेश्वर में आई, पहले तो मैं बहुत विरोधी थी, लेकिन जब मैंने जान लिया कि वाकई प्रभु यीशु मसीह एकमात्र जीवित परमेश्वर है, तब हम गरीब थे, गरीबी में थे, बहुत ही निर्धन परिवार से थी, लेकिन जब मसीह को जान लिया और पता चला कि परमेश्वर की प्रेजेंस में आना जरूरी है, परमेश्वर के वचन में भी लिखा है, और परमेश्वर की प्रेजेंस में आने के बाद हमें परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर के नेचर का पता चलता है, परमेश्वर के स्वभाव का पता चलता है, हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर पाते हैं, परमेश्वर के घर में परमेश्वर के स्वर्गीय दूत विराजमान रहते हैं, परमेश्वर के आत्मिक भेदों की जानकारी हमें परमेश्वर के घर में मिलती है, परमेश्वर के दास के द्वारा जो वचन बोला जाता है वो हमारे जीवनों में काम करता है, और गवाहियां जो हमें हमारे विश्वास को बढ़ाती हैं। जब मैंने ये सुना तो कोई गरीबी, कोई एक्सक्यूज मुझे परमेश्वर के घर में आने से रोक नहीं पाया था। हालेलुया। कि पैसों की तंगी, गरीबी, चाहे मेरी स्टडी, चाहे मेरे एग्जाम, कुछ भी मुझे परमेश्वर के प्रेजेंस में आने से रोक नहीं पाया। इसीलिए परमेश्वर ने मुझे चुना, इसीलिए मैं आज इस स्थान पर, इस प्रेशियस प्रेजेंस में खड़ी हूँ, इसीलिए परमेश्वर ने मेरे जीवन की सबसे बड़ी शर्मिंदगी को दूर किया और मैं बोल पा रही हूँ। हालेलुया। उसी तरह से परमेश्वर आपकी नॉनसेंस को खत्म करेंगे जब आप परमेश्वर के घर में आना एक प्रथम, एक इम्पॉर्टेंट स्थान देंगे। आमीन। अपनी लाइफ में सबसे प्रथम रखेंगे परमेश्वर के घर में आना। उस दिन कोई भी बिजनेस डील नहीं, उस दिन कोई मैरिज नहीं, उस दिन कुछ नहीं, सिर्फ परमेश्वर के घर में आना और परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना और वचन को सुनना और परमेश्वर के वचन का मेडिटेट करना। आमीन। तो जिस तरह से परमेश्वर के घर में आने के कारण, परमेश्वर में वफादार रहने के कारण परमेश्वर ने मुझे चुना, उसी तरह से परमेश्वर आपकी लाइफ्स में भी, परमेश्वर आपको, आपकी योजनाएं जो आपके लिए परमेश्वर ने रखी वो आपके जीवन में पूरी होंगी, परमेश्वर आपको भी चुनेंगे अपने कामों के लिए। आमीन। और आपकी लाइफ के हर एक नॉनसेंस खत्म होगी। हालेलुया। और फिफ्थ पॉइंट इज, नॉनसेंस को खत्म करने के लिए परमेश्वर के घर में बीज को बोना। आमीन। मलाकी 3:10 को पढ़ेंगे कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के जरोंखे तुम्हारे लिए खोल कर
तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन। आज एक विश्वासी गरीबी में है। गरीबी में होना नॉनसेंस नहीं है, क्योंकि मैं भी एक समय गरीबी में थी। हमने भी मसीह में आने के बाद कुछ साल गरीबी में बिताए, लेकिन गरीबी में सदा रहना, लंबा समा रहना गरीबी में और बिजनेस फेलियर में लंबा समा रहना, ये नॉनसेंस है। हालेलुया। और इस नॉनसेंस को खत्म करने के लिए आपको परमेश्वर के वचन को पूरा करना होगा। परमेश्वर ने साफ लिखा है कि अपने सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और परमेश्वर ने कहा कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए आसमान के झरोखों से इतनी आशीषों की वर्षा करूंगा कि तुम्हारे रखने की जगह ना होगी। हालेलुया। लेकिन आज का विश्वासी प्रार्थना करता रहता है, चिल्लाता रहता है कि मेरा बिजनेस फलवंत हो, मेरी लाइफ से गरीबी के श्राप मिटे, मैं चंगा हो जाऊं, मैं अमीर हो जाऊं। लेकिन परमेश्वर के वचन को उसने पूरा नहीं किया। जब तक परमेश्वर का वचन आप पूरा नहीं करेंगे, जब तक परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ से अधूरा रहेगा, तब तक परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ में फल लेके नहीं आ सकता। हालेलुया। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के घर में अपने दान और दशमांश को भेजना पड़ेगा, अपने दान और दशमांश, अपने बीज को देना होगा। हालेलुया। मैंने अपने हस्बैंड की लाइफ में एक ये क्वालिटी, बहुत ही बड़ी क्वालिटी ये मैंने देखी हमेशा, कि बीज बोना उन्होंने अपनी लाइफ में सबसे प्रथम रखा है। बीज बोना उनकी लाइफ में सबसे पहले रहा। एक समय ऐसा था कि कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से चल रही थी और इतने चर्च के काम हैं, इतने चेक थे जो हमें देने थे, इतना खर्चा था, लेकिन परमेश्वर के दास ने सभी कामों को रोक दिया, सभी काम रोक के सबसे पहले बीज बोया था, बहुत बड़ा परमेश्वर के दास ने, और उसके बाद डबल स्पीड दी परमेश्वर ने हमारे कामों को। आमीन। तो उसी तरह से जब आप बीज बोएंगे, जब परमेश्वर के वचन को पूरा करेंगे, तो परमेश्वर आसमान से आशीषों की वर्षा करेगा। आमीन। आशीषों की वर्षा पर मैं नहीं बोल रही, परमेश्वर का वचन कहता है ये कि जब आप बीज बोएंगे तो परमेश्वर आपके आसमान से भंडार खोलेगा और गरीबी के श्राप मिटेंगे, आपके बिजनेस फलवंत होंगे, आप गरीबी से बाहर निकाले जाएंगे, आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन होंगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आप फलवंत होंगे, ना केवल आप अमीर होंगे, गरीबी के श्राप टूटेंगे, बल्कि इस गरीबी से श्रापों से मुक्ति पाने के बाद अन्य बहुत से लोग भी आपको देखकर परमेश्वर को जानेंगे। आमीन। क्योंकि आज परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया, मेरी लाइफ से गरीबी के श्राप मिटे हैं, गरीबी के श्राप टूटे हैं, ये नॉनसेंस खत्म हुई है। इसीलिए आज बहुत से लोग हमारे गांव के, बहुत से लोग आज मसीह में आ गए हैं। आमीन। क्योंकि वो मेरी आवाज को, मेरे गले को नहीं देख रहे हैं कि मेरी आवाज ठीक हो गई है, वो क्या देख रहे हैं? हमारी ब्लेसिंग्स को। वो क्या देख रहे हैं? कि हमारे गांव में हम स्कूल्स कॉलेजेस में गरीब लड़कियों की कैसे शादियां कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं हम मसीह में आने के बाद, वो देख रहे हैं। उसी तरह से जब आप बीज बोएंगे परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के कामों के लिए, जब आप फलवंत होंगे, तो आपकी अमीरी को देखकर भी लोग परमेश्वर में आएंगे। हालेलुया। तो नॉनसेंस है गरीबी जो लंबा समा रहे, लाइफ टाइम रहे, लंबा समा रहे, ये गरीबी एक नॉनसेंस है। इस नॉनसेंस को खत्म करने के लिए आपको परमेश्वर के घर में बीज बोना होता है। आमीन। बीज बोना जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ से नॉनसेंस खत्म हो। आप सोचेंगे कि एक अमीर तो बीज बोले, लेकिन एक गरीब जिसके पास किराया भी नहीं, वो कैसे परमेश्वर के घर में बीज बो सकता है? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं उसी घराने से निकली हूँ जिसके पास किराया नहीं होता था परमेश्वर के घर में आने के लिए, लेकिन फिर भी अपनी तंगी में, अपनी घटी में हमेशा हम बीज बोते थे। आमीन। अपनी तंगी में भी, अपनी घटी में हमेशा परमेश्वर के घर में बीज बोया। इसलिए आज परमेश्वर ने अपने आसमान के झरोखों को खोला और आशीषों की वर्षा मेरे ऊपर की है। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर के वचन को पूरा करें। परमेश्वर आपके जीवन से हर एक फजूल खर्ची, हर एक तंगी को, फाइनेंस में तंगी को, बिजनेस फेलियर को, हर एक फजूल खर्ची को आपके जीवन से झिड़केगा, खत्म करेगा। गरीबी के श्राप मिटेंगे जब आप परमेश्वर के वचन को पूरा करेंगे, जब आप बीज बोएंगे परमेश्वर के घर में। आमीन। परमेश्वर ने कहा ऐसा करके मुझे परखो तो सही, ऐसा करके चेक तो करो, क्योंकि मैंने जो लिखा है वो पूरा करूंगा, वो पूरा होता है, वो पूरा होगा। हालेलुया।
सो इसीलिए गरीबी के श्रापों को खत्म करने के लिए, इस गरीबी की नॉनसेंस को खत्म करने के लिए आपको परमेश्वर के घर में बीज बोना होगा। हालेलुया। सो सब जन अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर सचमुच आज से हम परमेश्वर बीज को बो सकें, बीज बोना अपनी लाइफ में प्रथम रख सकें। परमेश्वर हम बीज बोना जो तेरे वचन में लिखा उसे हम पूरा कर सकें, ताकि हमारी लाइफ से हर एक फजूल खर्ची आज खत्म हो, हर एक फजूल खर्ची खत्म हो परमेश्वर, हर एक फजूल खर्ची हमारी लाइफ से खत्म हो, ताकि परमेश्वर हम फाइनेंस के जरिए भी परमेश्वर तेरे सुसमाचार का प्रचार कर सके। हम अपने फाइनेंसेस से परमेश्वर एज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी परमेश्वर तेरे कामों का प्रचार कर सके, तेरे कामों में मदद और सहायता कर सके। परमेश्वर अपने कामों के लिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर, हमें ब्लेस कर परमेश्वर। जो तेरे वचन में लिखा उसे हम पूरा करने के लिए आज से वायदा करते हैं। सब जन परमेश्वर से वायदा करें, हालेलुया। और सबसे लास्ट, अपनी लाइफ से नॉनसेंस खत्म करने के लिए परमेश्वर के घर में सेवा करना। हालेलुया। आप में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर के घर में सेवा करते हैं, जिन्होंने हफ्ते में या फिर महीने में एक दिन परमेश्वर को डेडिकेट किया? कितने जने अपने हाथों को उठाएं? तो आप सब ब्लेस्ड हैं जिन्होंने हाथों को उठाया, जिन्होंने अपनी लाइफ के एक महीने में एक दिन, कम से कम एक महीना परमेश्वर को दिया है। आप वो लोग ब्लेस्ड हैं, वो परमेश्वर की महिमा को, वो परमेश्वर के अनुग्रह को अपने ऊपर आता देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि सेवा करने से भी हमारी लाइफ की नॉनसेंस खत्म होती है। सेवा एक आत्मिक चीज है और एक आत्मिक व्यक्ति ही सेवा को समझ सकता है। हालेलुया। इसलिए लाखों में से कुछ सैकड़ों ही सेवा में पार्टिसिपेट कर पाते हैं, सैकड़ों ही परमेश्वर के घर में सेवा कर पाते हैं, और बाकी सब वचन सुनते और चले जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर सेवा करने वालों को अलग ही से परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करता है, अलग ही से उन्हें ब्लेस करता है। हालेलुया। तो इसीलिए अपनी लाइफ में हफ्ते में एक दिन या फिर मंथ में कम से कम एक दिन परमेश्वर के लिए डेडिकेट करें, कि एक दिन हम परमेश्वर के घर में जाकर टेंट धोएंगे, पर्दे धोएंगे, परमेश्वर के घर में सेवा करेंगे। क्योंकि जिन हाथों से आप परमेश्वर के घर में सेवा करेंगे, उन्हीं हाथों को परमेश्वर ब्लेस करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का नेचर है कि परमेश्वर को कोई हरा नहीं सकता। जब आप परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, परमेश्वर के घर के लिए कुछ करेंगे, तो परमेश्वर दुगना ब्लेस करता है, परमेश्वर दुगनी आशीषें देता है हमें। हालेलुया। जब नहेम्या अपने काम पर बिजी था, राजा का प्याऊ था, हम कह सकते हैं कि वो एक गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट अप्लाई था बहुत बड़ा, राजा के सम्मुख रहता था। जब उसने देखा कि परमेश्वर के घर की शहरपनाह टूटी हुई है, फाटक जले हुए हैं, परमेश्वर के लोगों की निंदा होती है, परमेश्वर के लोग बड़ी दुर्दशा में हैं, तो वो बहुत ही दुखी हो गया। क्योंकि परमेश्वर के लोगों की निंदा हो, परमेश्वर के लोग बड़ी दुर्दशा में हो, परमेश्वर का घर टूटा हो, फाटक जले हुए हो, तो ये क्या है? ये एक नॉनसेंस बात है, ये एक नॉनसेंस है। उस समय परमेश्वर के घर के फाटक जले हुए थे, शहरपनाह टूटी हुई थी, ये सब देखकर अन्य जातियां, अन्य लोग जो परमेश्वर में नहीं थे, यहूदी कौम के खिलाफ थे, वो बड़े ठट्ठों में परमेश्वर के लोगों को उड़ाते थे। जब नहेम्या ने ये बात सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ, तो उसने क्या किया, अपनी गवर्नमेंट जॉब को त्याग कर, अपने पद से इस्तीफा देकर वो परमेश्वर के घर में गया, परमेश्वर के कामों को करने के लिए वो परमेश्वर के घर में गया। उसने बोझ लिया परमेश्वर के कामों को करने का, और परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा बोझ जो बहुत ही भारी भरकम है, जिसमें दुख है, जिसमें रोग है, जिसमें इतने श्राप है, जिसमें इतने कर्ज है, वो बोझ जब तुम मुझे दे दोगे और मेरा बोझ जो हल्का है तुम लोगे, तो तुम ब्लेस होगे। हालेलुया। जब नहेम्या ने परमेश्वर के कामों का बोझ लिया, जब नहेम्या ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं परमेश्वर के कामों को करूंगा, मैं परमेश्वर के घर को बनाऊंगा, मैं परमेश्वर के घर में सेवा करूंगा, तो परमेश्वर ने उसके हाथों के कामों पर बरकत दी, परमेश्वर ने उसकी योजनाओं को सफल किया। हालेलुया। और 52 दिन में वो शहरपनाह बनी, 52 दिन में परमेश्वर का घर बना। तो जो अन्य लोग थे, अन्य जातियां, जो शत्रु थे यहूदी कौम के, उनके मनों में गहरा भय समा गया था। बाइबल में लिखा है कि वो डर गए, वो लज्जित हुए, वो शर्मिंदे हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि एक नहेम्या नाम का परमेश्वर का जन परमेश्वर की सेवा के लिए अपना सब कुछ त्याग कर परमेश्वर के घर में आया है, उसने अपने हाथों से सेवा की है, इसीलिए परमेश्वर ने उसके हाथों के कामों पर बरकत दी और उसे सफल किया है। हालेलुया। तो उसी तरह से जब आप परमेश्वर को टाइम देंगे,
अपनी लाइफ से अब कुछ महीनों में एक दिन आप एक महीने में एक दिन कुछ महीनों में कुछ दिन परमेश्वर के घर के लिए देंगे, परमेश्वर के घर में साफ सफाई के लिए देंगे, तो परमेश्वर भी आपके हाथों के कामों पर सफलता देगा। हालेलुया। जिस तरह से परमेश्वर ने नहेम्या की योजनाओं को सफल किया, जिस तरह से परमेश्वर ने उसके हाथों के कामों को बरकत दी, उसी तरह से परमेश्वर भी आपके कामों पर सफलता देगा। हालेलुया। नहेम्या ने नॉनसेंस को खत्म किया कि परमेश्वर के लोग बड़ी दुर्दशा में थे। नहेम्या ने उस नॉनसेंस को खत्म किया कि परमेश्वर का घर टूटा हुआ था, उसके फाटक जले हुए थे और वो एक भीड़ में से उठा। वो एक बेरोजगार नहीं था, वो एक पढ़ा लिखा, वो एक काम करने वाला, गवर्नमेंट जॉब का अप्लाई था। उसने अपनी जॉब से त्याग पत्र देकर परमेश्वर के कामों के लिए एफर्ट किया। उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि नहीं, मैं परमेश्वर के घर में यह साफ सफाई करूंगा। तो परमेश्वर ने उसके कामों पर बरकत दी और परमेश्वर ने सभी समय रहते परमेश्वर ने उसकी योजनाओं के अनुसार परमेश्वर ने उस घर को बनाया। हालेलुया। और उसकी नहेम्या की ना केवल यहूदियों में बल्कि अन्य बहुत सी कौमों में उसकी प्रतिष्ठा हुई। लोगों ने जाना कि ये नहेम्या परमेश्वर का जन है, जिसने बोझ लिया, जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई परमेश्वर के कामों को करने की, और परमेश्वर ने उसके हाथों के कामों पर बरकत दी, परमेश्वर ने उसकी योजनाओं को सफल किया है। हालेलुया। तो उसी तरह से जब आप भी डेडिकेट होंगे परमेश्वर के कामों के लिए, हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन जब आप सेवा के लिए, परमेश्वर के घर के लिए आप देंगे एक दिन, तो परमेश्वर आपको दो गुना ब्लेस करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको डबल ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको डबल ब्लेस करेगा, डबल ग्रेस देगा। नहेम्या की तरह परमेश्वर आपके हाथों के कामों पर बरकत देगा, परमेश्वर आपकी योजनाओं को सिद्ध करेगा, जिस तरह से परमेश्वर ने नहेम्या की योजना को सिद्ध किया। हालेलुया। तो इसलिए अपनी लाइफ की नॉनसेंस को खत्म करने के लिए आज से परमेश्वर में सीरियस हो जाना है। तो कितने जन तैयार है परमेश्वर में सीरियस होने के लिए? परमेश्वर में सीरियस कैसे होना है? सबसे पहले परमेश्वर के पीछे चलना है, पीछे भीड़ की तरह नहीं, बल्कि 12 साल से जिस स्त्री को लहू बहता था उस स्त्री की तरह मुंह से अंगीकार करते हुए, विश्वास को बढ़ाते हुए कि सचमुच परमेश्वर जीवित है, आज हम परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं, आज हम खाली नहीं जाएंगे। दूसरा, प्रार्थना में रहना, हफ्ते में दो दिन रोजों में रहना, दो दिन परमेश्वर को डेडिकेट करने और वचन का डेली अंगीकार करना, वचन पर मेडिटेट करना, फिर आपके लाइफ में परमेश्वर के स्वर्गीय दूत आएंगे, परमेश्वर की प्रोटेक्शन आएगी, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। हालेलुया। तो उसी तरह से अपनी लाइफ में गरीबी के श्रापों को खत्म करने के लिए, अपनी लाइफ से हर एक तंगी को, फिजूल खर्ची को झिड़कने के लिए आपको परमेश्वर के घर में बीज बोना पड़ेगा। आमीन। और अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में बांझपन ना हो, एक मसीही होने के बावजूद आपकी लाइफ में कोई बीमारी ना रहे, आपकी लाइफ में कोई श्राप ना रहे, इसलिए आपको परमेश्वर के घर में आना होगा। जब आप परमेश्वर के घर में आएंगे तो हन्ना की तरह आप ब्लेस होंगे। हालेलुया। और लास्ट, आपको परमेश्वर के घर में सेवा करनी होगी, अपना क्वालिटी टाइम देना होगा। हालेलुया। परमेश्वर के घर में सेवा करनी होगी, एक दिन चुनना होगा आपको परमेश्वर के घर में सेवा करने का। तो परमेश्वर आपके हाथों पर बरकत देंगे, परमेश्वर आपकी योजनाओं को सिद्ध करेंगे, आपकी लाइफ के हर एक नॉनसेंस को परमेश्वर खत्म करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपकी लाइफ के हर एक नॉनसेंस को खत्म करेंगे। जैसे ही आप इन पॉइंट्स को, इन वचनों के ऊपर आप चलेंगे, इन वचनों के ऊपर चलते हुए आप परमेश्वर के घर में आएंगे, तो एक दिन मैं आपको यहाँ पर खड़े हुए आपको गवाही देते हुए सुनूंगी। हालेलुया। अगर आपका विश्वास बड़ा है तो आपका आमीन भी बड़ा होना चाहिए। आमीन।